कुछ ही दिनों में गणपति बाबा का आगमन होने वाला है। उनके आने की तैयारी में लोग अभी से ही जुट गए हैं। लेकिन हर एक छोटे बड़े मंडलों की समस्या है, आखिरकार सड़कों पर पड़े गड्ढों से कैसे गणपति बाबा को लाया जाए, कैसे बड़े बड़े तारों में से फंसने में बाबा को बचाया जाए, और साथ ही साथ दोनों तरफ खड़ी गाड़ियों से होने वाली ट्रैफिक की समस्याओं से निजात पाया जाए। ऐसे कई समस्याओं के सुझाव और निवारण के लिए चांदेली के विधायक नसीम खान ने पुलिस महकमा के डीसीपी, एसीपी साकीनाका और घाटकोपर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, फायर ऑफिसर, बीएमसी के कई विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मंडल के लोगों की समस्या को सुना और वहां आए अधिकारियों को सुनवाया भी। ताकि गणपति बापा आने से पहले सभी की समस्याओं का निवारण हो सके, जिसके लिए सभी ने अपनी तरफ से हर मुमकिन काम करने देने की बात मंडल के लोगों के सामने रखी। हर वर्ष अनेक वर्ष पासून गणेश उत्सव त्या विभागाच्या रहिवासी साजरा करत आहे, तो त्याला परवानगी मिळाली पाहिजे आणि गणेश उत्सव साजरा झाला पाहिजे। साजरा केल्यानंतर तुम्ही कार्यक्रमाची सुरुवात करा, मला निमंत्रण पाठवा, तुम्ही निमंत्रण पाठवा, मी तिथे व्हिजिट करायला दर्शन करायला मी सुद्धा येणार आहे, काही काळजी करायची गरज नाही। दर वर्षाप्रमाणे तुम्ही जसा साजरा करत आहात, हा सुरुवातही तशा प्रकारच्या गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरुआत गणेश उत्सव की और गणेश उत्सव मंडल की हमारे महाराष्ट्र से हुई है। बाल गंगाधर तिलक जी इसके जनक रहे हैं, उन्होंने पहला सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था आज स्वतंत्र काल में। आज पूरे देश के अंदर गणेश उत्सव का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आने वाले गणेश उत्सव के दिन आयोजक मंडल जो होते हैं उनको किसी किस्म की समस्या अगर है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसका निवारण होना चाहिए। ये पिछले 13-14 साल से सभी प्रशासकीय अधिकारी, उसमें पुलिस विभाग, महानगर पालिका विभाग, रोड के विभाग, बिजली विभाग, सभी जो संबंधित विभाग हैं उनको, अधिकारियों को बुलाकर और मंडल के लोगों को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं और जो भी मंडल की शिकायत है वो शिकायत को तुरंत वहीं पे निवारण करने का निर्देश अधिकारियों को हम देते हैं, ताकि आने वाला गणेश सार्वजनिक गणेश उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके और 10 दिन तक इस कार्यक्रम में किसी किस्म का विघ्न ना आए, उसकी तैयारी करने के लिए पूर्व तैयारी की बैठक हम लोगों ने किया है। लेकिन ये पहला साल है तो कहीं ना कहीं सभी को ये तय होना चाहिए कि सभी को परमिशन समय पर मिलना चाहिए, शनिवार रविवार छुट्टी के दिन भी चालू रहना चाहिए। तो महानगर पालिका ने बात मानी है और रास्ते में जितने खड्डे हैं गणेश जी के आगमन के पहले पहले सभी रास्ते के खड्डे बंद होंगे, रोड जो टूटे हैं बनाए जाएंगे, लाइट जो बंद है बनाई जाएंगी, डबल पार्किंग जो है रोडों पर उसको सिंगल पार्किंग करने के लिए कहा गया है, कायदा और सुव्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट चालू होनी चाहिए, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, गणेश विसर्जन घाट पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे विषय पे आज चर्चा हुई और उसका निवारण करने का निर्देश हमने दिया है, सूचना दिया है पुलिस अधिकारी को, महानगर पालिका के अधिकारी को, और हमें विश्वास है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और हर साल की तरह इस साल और अच्छे से खुशी से गणेश उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन कर पाएंगे और लोग हर्षोल्लास से परंपरा के मुताबिक मनाएंगे। इस मौके पर सभी के बीच में अपने क्षेत्र से सबसे प्रभावशाली मंडलों को अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। वही डीसीपी रेड्डी ने भी सभी मंडलों की हिदायत भी दी है कि वो मंडलों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी भी लगाएं, ताकि पुलिस के साथ साथ वो भी मंडल में आए और लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दे। गणेश उत्सव में जो भी तैयारी हो रही है सभी गणेश मंडल से बार बार हम आह्वान कर रहे हैं, अपने पुलिस स्टेशन में जो भी आपको सहकार्य चाहिए, तो जो भी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है या जो भी प्रदेशों से उसके पुलिस स्टेशन से आपको सभी प्रकार का सहकार्य और मार्गदर्शन किया जाएगा। सभी गणेश भक्तों से विनती है कि आपने इसमें पुलिस विभाग का सहकार्य करें, ट्रैफिक विभाग का सहकार्य करें और ये जो गणेश उत्सव है ये अच्छी तरह से और जोश में और हर्षोल्लास के साथ मनाई हुई सभी को शुभेच्छा। प्रकार का घातपात ना हो या कोई प्रकार की गड़बड़ ना हो, इसीलिए सभी गणेश मंडलों से हमने आह्वान किया है और उनके प्रशिक्षण भी दे रहे हैं वॉलंटियर्स को, जो भी गणेश उत्सव के वॉलंटियर्स है सभी को सेफ्टी और सिक्योरिटी का परमिशन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने भी अपना मंडल की सुरक्षा किस तरह से करना चाहिए,
सीसीटीवी लगाए या बैरिकेड लगाए, वॉलंटियर्स लगाए, इस प्रकार से फायर का सेफ्टी हो, स्टैंडबिल का सेफ्टी हो, ये सभी चीज़ें उन्होंने ध्यान रखना चाहिए, इस बात की उन्हें प्रशिक्षण दी जा रही है।